हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। एयर ड्रॉप ऑफ इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ये वीडियो मैंने शेयर किया था 5000 DFS टोकन्स का, जिसकी वर्थ $300 के करीब थी। अभी भी इसका प्राइस बहुत अच्छा है, 150-200 डॉलर पे चेंज हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, मगर वो छोटे एक्सचेंजेस पर है। अभी वेट कीजिए जब तक ये बिग एक्सचेंजेस पर लिस्ट नहीं हो जाता है। और इसकी टोटल सप्लाई भी बहुत कम है, 1 करोड़ 10 लाख के करीब है, तो इसे अभी होल्ड करना ही समझदारी होगा। तो मैंने दो अकाउंट से ज्वाइन किया था, मगर मुझे एक अकाउंट में टोकन्स रिसीव नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है बताता हूँ। यहाँ पर आपको DFS डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा, तो इसके डिस्कॉर्ड चैनल पर आपको जाना है। उसके बाद आपको लिखना है कि मुझे टोकन रिसीव नहीं हुआ है, अपना DFS का वैलेट एड्रेस देना है, और आपने जो क्वांटा एक्सचेंज पर वोटिंग किया था उसका प्रिंट स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो यहाँ पर आपको, यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे क्वांटा डेक्स वोट DFS, ये जो क्वांटा डेक्स का है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो फिर आपको इसमें लॉगिन करना है क्वांटा डेक्स एक्सचेंज पर। क्वांटा डेक्स एक्सचेंज पर लॉगिन करेंगे तो आपका ऐसा डैशबोर्ड खुल जाएगा, अगर आपने वोट किया होगा तो। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है फ्रेंड्स। स्क्रीनशॉट ले करके आपको इसका जो DFS चैनल है, DFS चैनल का फ्रेंड्स आपको यहाँ इसके सपोर्ट में जाना है। सपोर्ट में जा करके यहाँ पर देखिए, जिसे भी रिसीव नहीं हुआ है वो स्क्रीनशॉट कर रहे हैं, अपना DFS एड्रेस यहाँ पर सेंड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इन्हें टोकन्स रिसीव नहीं हुए हैं, इन्होंने वोटिंग किया था। तो अगर आपको रिसीव नहीं हुआ होगा, जैसे मैंने भी अभी किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो वैसे अपना आप DFS के यहाँ पे वैलेट एड्रेस देना है। फिर क्वांटा डेक्स एक्सचेंज का जो है उसका वीडियो पहले भी जो अपने जिस वीडियो पर एयर ड्रॉप किया था, मैं सबका लिंक आपको दे दूँगा। अब वोट करना, उसके स्क्रीनशॉट दे देना है, ये एड्रेस वैलेट एड्रेस दे देना है, और बोल कहना है कि आपको टोकन्स रिसीव नहीं हुए हैं, यू डिड नॉट रिसीव योर 5000 DFS टोकन्स। तो इस तरह से क्लेम करना है फ्रेंड्स। याद रखें, सपोर्ट में जाकर के आपको ये सब बातें लिखना है, अटैच करना है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एयर ड्रॉप में।